हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास फाइव के लिए एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं और उस पोएम का टाइटल है द ब्रेव लिटिल काइट, एक छोटा सा बहादुर सा पतंग, है ना। और इस छोटे से बहादुर से पतंग की ये कविता है, ये कहानी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे लोग और इसको समझेंगे लोग, ठीक है ना। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डज द स्केयर्ड लिटिल काइट बिकम अ ब्रेव लिटिल काइट, कैसे एक छोटा सा डरपोक पतंग एक बड़े से बहादुर, है ना, एक छोटे से बहादुर पतंग में कैसे वो बदल गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो हमारा पोएट्री का जो फर्स्ट स्टेंजा है इसको हम लोग देखते हैं। आई नेवर कैन डू इट द लिटिल काइट सेट, यहाँ पे जो छोटा सा काइट है, छोटा सा जो पतंग है, वो कहता है कि मैं यह कभी नहीं कर सकता हूँ, मतलब ये जो उड़ने का काम है वो मैं नहीं कर सकता हूँ। As he looked at the others high over his head, जैसे उसने दूसरे पतंगों को अपने सिर के ऊपर, अपने ऊपर उड़ते हुए देखा तो वो बोला कि मैं ये नहीं कर सकता। I know I should fall if I try to fly, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं गिर जाऊँगा अगर मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं उड़ने की कोशिश भी करता हूँ तो मैं गिर जाऊँगा, ये बात मैं जानता हूँ। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। अब देखो यहाँ पे ये एक बड़ा सा पतंग है और ये एक छोटा सा पतंग है, तो ये बड़ा वाला पतंग इस छोटे वाले पतंग से कहता है कि अरे बाबू देखो, है ना, डरने की बात नहीं है, तुम गिरोगे नहीं, तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें एक बार ट्राई करनी चाहिए। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, और ये बड़ा वाला काइट कहता है कि अगर तुम उड़ने की कोशिश ही नहीं करोगे तो मुझे डर लग रहा है कि तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख सकोगे, तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख सकोगे, तुम कभी भी उड़ नहीं पाओगे। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, लेकिन उस बड़े से काइट की बात को सुनकर ये छोटा सा काइट कहता है, ये छोटा पतंग कहता है कि मुझे डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें टोटल 6 लाइन है और फर्स्ट स्टेंजा का जो राइम स्कीम है इसको अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे सेड और हेड राइम कर रहा है, फ्लाई और ट्राई राइम कर रहा है, ऑल और फॉल राइम कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेंजा का हमारा राइम स्कीम हो गया ए ए बी बी और सी सी। इस तरह से हम लोग सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। द बिग काइट नॉडेड आह वेल गुड बाय, अब ये बड़ा वाला काइट जो है, बड़ा वाला जो पतंग है वो छोटे से पतंग को नसीहत देता है कि तुम्हें उड़ना चाहिए, तुम्हें उड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये छोटा पतंग कहता है कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, मुझे डर लगता है। तो वो क्या हो रहा है, उसकी बातों से परेशान होकर कह रहा है ठीक है जब तुम्हें नहीं कोशिश करना तो मैं जाता हूँ, और वो गुड बाय बोलकर चला जाता है, वो उड़ जाता है। आई एम ऑफ, मैं जाता हूँ। एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई, ट्रैंक्विल कहने का मतलब क्या होता है आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है, ट्रैंक्विल कहने का मतलब होता है शांत, पीसफुल एंड क्वाइट, जहाँ पे खामोशी होती है, जहाँ पे एक शांत मौसम होता है उसी को ट्रैंक्विल कहा जाता है। तो इस तरह से वो बड़ा सा पतंग शांत आसमान में ऊपर उड़ने लगता है। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीयर्ड एट द साइट, तभी क्या होता है, इस छोटे से पतंग का जो पेपर होता है आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा पतंग है और इसमें पेपर लगे हुए हैं, है ना, ये वाला पेपर है जहाँ पे ये फेस बनाया गया है, तभी ये पेपर क्या होता है, थोड़ा सा स्टीयर करता है, थोड़ा सा हिलता है। एंड ट्रैम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और कांपते हुए, थरथराते हुए वो खुद को छुड़ाता है उड़ने के लिए, वो उड़ने की कोशिश करता है। फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटेंड ही ब्रेवर देन ब्रेवर ग्रोन, अब देखो वर्लिंग कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है मूविंग अराउंड क्विकली इन अ सर्किल। अगर आपने कभी भी पतंग उड़ाया होगा तो आपको पता होगा कि जब हवा तेज़ चल रही होती है और आप पतंग को हवा में उड़ाते हो तो सर्कुलर मोशन में जो है ना नाचने लगती है, घूमने लगती है, उसी को वर्लिंग कहा जाता है, एक भंवरे की तरह, है ना, घुमरी की तरह वो नाचने लगती है। एंड फ्राइटेंड, और उस समय वो काफ़ी डरी हुई थी।
ब्रेवर ग्रोन। फिर उसके बाद वो पतंग धीरे धीरे और थोड़ा सा बहादुर बनता गया। अप अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और उसके बाद वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उड़ता गया। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, तभी तक बड़े तब तक क्या हुआ, वो जो बड़ा वाला पतंग था वो नीचे देख रहा था, और जब वो नीचे देख रहा था तो उसे क्या दिख रहा था, द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली, कि ये छोटा सा पतंग बड़ी ही तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है, बड़ी ही तेज़ी से ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड, देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड, तभी क्या होता है, ये छोटा सा जो पतंग होता है ये गर्व से थ्रिल्ड हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाई साइड, और ये क्या करता है, गर्व से प्राउड से उस बड़े वाले पतंग के बिल्कुल पास में जाकर, बिल्कुल बगल में जाकर उड़ने लगता है। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, और वहाँ से उस ऊंचाई से जब वो नीचे ग्राउंड पे देखता है, नीचे ज़मीन पे देखता है, एंड द बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड, तो उसे नीचे जो बच्चे हैं ना वो एक छोटे से दाग की तरह, छोटे से स्पॉट की तरह दिखाई देते हैं जो कि चारों तरफ घूम रहे होते हैं। लास्ट सिंजा को हम लोग देखते हैं, दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, ये लोग शांत हवा में काफ़ी देर तक उड़ते रहते हैं। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और उस मौसम में, उस हवा में, उस ऊंचाई पे सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स होते हैं, दूसरा कोई भी चीज़ नहीं होता है। ओ हाउ हैप्पी आई एम, अब यहाँ पे जो छोटा सा जो पतंग है, जो लिटिल काइट है, वो कहता है ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और फिर कहता है ये सब चीज़ें संभव इसलिए हो पाई क्योंकि मैं इतना बहादुर था, क्योंकि मैंने उड़ने की कोशिश की। नाउ इस पोइट को, इस पोइट्री को लिखा गया है कैथरीन पाइल के द्वारा। तो हमने स्टेंजा नंबर वन का राइम स्कीम तो देख लिया, स्टेंजा नंबर टू का देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाई और स्काई राइम कर रहा है, साइट और फ्लाइट राइम कर रहा है, तो इसको भी हम लोग ए ए बी बी ले लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे ग्रॉन और एलॉन राइम कर रहा है, सी और ग्रेज स्टीडली राइम कर रहा है, तो ये भी ए ए बी बी हो गया। प्राइड और साइड राइम कर रहे हैं, ग्राउंड और राउंड राइम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ए ए और बी बी हो गया। और इसमें एयर और देयर, क्राइड और ट्राइड राइम करें, तो यहाँ पे भी आपका राइम स्कीम ए ए बी बी हो गया। सो इस तरह से हमने इस पोइट्री को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।